प्रधानमंत्री के 31 मई को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ होने वाले संवाद कार्यक्रम को लेकर सिरमौर जिला में प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला में दो स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि 31 मई को जिला मुख्यालय नाहन की SFDA हॉल व कृषि विज्ञान केंद्र धोला कुआं में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के करीब 500 लाभार्थी मौजूद रहेंगे। डीसी ने कहा कि इस कार्यक्रम में लाभार्थी किसानों के अलावा जनप्रतिनिधि भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। आयोजन के मद्देनजर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीसी ने बताया कि सिरमौर जिला में किसान सम्मान निधि योजना का करीब 70,000 से अधिक किसान लाभ ले रहे हैं, जिनको प्रति किसान सालाना 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सालाना किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिरमौर में करीब 45 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है। सिरमौर में 31 मई को जो है वो 31 मई को जो है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है बेनिफिशियरी इंट्रेक्शन प्रोग्राम रखे गए उसका एक पार्ट जो जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो SFDA हॉल नाहन में किया जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसका जो कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं जो है पौंटा में उसमें किया जाएगा। तो इसके लिए हमारी सारी तैयारियां हैं, इसमें लीज लाइन वगैरह जो लगनी थी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो तैयार कर लिया है और लगभग इसमें 500 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं डिफरेंट 13 स्कीमें हैं उनके 500 बेनिफिशरी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री किसी भी बेनिफिशरी के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। और ये कार्यक्रम हमारा जो है वो 9:45 स्टार्ट होगा, 9:45 पे स्टार्ट होगा और लगभग 1 बजे के आसपास जो है वो संपन्न होगा और इसमें जितने भी हमारे सम्मानीय लोग हैं जिला के वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं प्रधान उपप्रधान हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोकल हमारे मेयर हैं और जो हमारे अर्बन बॉडीज हैं उनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑनरेबल MLAs और MP उनको भी इन्विटेशन किया है, वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे। जो किसान सम्मान निधि की बात है, हमारे यहाँ लगभग जो है वो 70,000 के आसपास फार्मर्स हैं और उनको जो है एक साल में 6,000 रुपये का जो किस्त दिया जाता है तो लगभग 45 करोड़ के आसपास सारा जो बजट है वो एक साल में उनको दिया जाता है। उसके 3 इंस्टॉलमेंट में 15-15 करोड़ की इंस्टॉलमेंट जाती है। तो कल जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में रखा है वहाँ पर लगभग 200 फार्मर्स जो वहाँ एकत्रित होंगे और उनको जो है एक टोकन के रूप में वहाँ पर चेक्स भी दिए जाएंगे लगभग, लेकिन बाकी जो फार्मर्स हैं उनके खातों में जो है सारा पैसा डायरेक्टली जो है वो उसमें जाएगा और 15 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो इन 70,000 किसानों को जो कल वितरित की 31 मई को जो वितरित की जाएगी।